आज हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से मगध साम्राज्य के बाद जो मगध साम्राज्य के जो मेन मुख्य वंश रहे हैं उन्होंने किस तरीके से कौन कौन से उसके राजा रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने राज्य किया हुआ है। उसके बाद हम मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, इसकी सहायता से कि मगध के साम्राज्य के बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं, तो जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा आता है बृहदत्त वंश। बृहदत्त वंश की जो महाभारत और पुराणों में लिखा गया है कि मगध का प्राथमिक राजवंश जो कहलाता है वो बृहदत्त वंश कहलाता है, और बृहदत्त वंश की स्थापना बृहदत्त ने की हुई थी। बृहदत्त का पुत्र हमारा जरासंध माना जाता है, और रामायण के अनुसार वसुमति, जो कि वसुमति या राजगृह भी इसको कह सकते हैं, वसु इनके रामायण के अनुसार वसु के पुत्र हमारे बृहदत्त और बृहदत्त के पुत्र हमारे जरासंध माने जाते हैं। इसका बृहदत्त वंश का अंतिम जो शासक था वो रिपुंजय था, और रिपुंजय बहुत ही कमजोर और अयोग्य शासक था, अतः इसके मंत्री पुलिक ने इसकी हत्या करके अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाया। इसके बाद हमारा दूसरे नंबर पर आ जाता है हायक वंश। हायक वंश को हम पितृहत्ता वंश भी कहते हैं। इसकी हायक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि हायक वंश को पितृहत्ता वंश भी कहा जाता है, तो बिंबिसार जो कि इसके संस्थापक रहे हैं, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु जो कि बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठते हैं, कुछ गलत फहमियाँ हो जाती हैं क्योंकि बिंबिसार की बहुत सारी रानियाँ होती हैं, तो अजातशत्रु को लगता है कि मैं राजगद्दी पर बैठूंगा कि और कोई मेरा भाई राजगद्दी पर बैठेगा। इन गलत फहमियों के चलते वो बिंबिसार की हत्या कर देते हैं और स्वयं राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। इसके बाद अजातशत्रु का पुत्र हमारा उदयन माने जाते हैं, उदयन ने भी अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी हासिल की, और इसके जो अंतिम शासक माने जाते हैं वो नागदशक माने जाते हैं। नागदशक की हत्या करके शिशुनाग जो कि शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, शिशुनाग वंश का शासक शिशुनाग माना जाता है, और इसके बाद इसका पुत्र कालाशोक या काकवर्ण जिसे हम कहते हैं हुआ। इसके बाद हमारा आ जाता है नंदवंश। नंदवंश की स्थापना नंदीवर्धन या महापद नंद ने की थी। इसका अंतिम शासक घनानंद माना जाता है, जो कि एक बहुत ही अत्याचारी और क्रूर शासक था जिसे जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसकी भी एक बहुत कहानी है। इसी समय हमारे भारत पर यूनानी आक्रमण यानी सिकंदर के द्वारा हमारे भारत पर आक्रमण किया जाता है। लगातार भारत पर आक्रमण करने की सिकंदर योजना बना रहा होता है। इसी समय हमारे तक्षशिला के जो आचार्य माने जाते हैं चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं, उन्हें लगातार इस चीज़ की चिंता हो रही होती है कि सिकंदर हमारे भारत पर आक्रमण करेगा और हमारे भारत पर कब्जा कर लेगा। वो चाहते हैं कि यूनानी जो आक्रमण है वो भारत पर ना हो सके, और इस समय हमारे यहाँ पर एक ही शक्तिशाली राजा था वो जो कि घनानंद था। इसका साम्राज्य जो मगध साम्राज्य है इस बहुत एक विशाल साम्राज्य घनानंद का लिप्त था, लेकिन ये साथ ही साथ बहुत ही विलासी भोग विलास में लिप्त रहने वाला राजा था। जब घनानंद इससे सहायता मांगने के लिए आते हैं कि आप यूनानी जो आक्रमण कर रहे हैं उनको आप रोकिए, तब घनानंद को कुछ समझ में नहीं आता और वो उस समय बहुत नशे में रहता है, और कहा जाता है कि यह घनानंद को अपमानित करके भेज देते हैं। तो जब घनानंद अपमानित होते हैं तो उसी समय वो कसम खाते हैं कि अब मेरे द्वारा ही तेरा अंत किया जाएगा और नए साम्राज्य की स्थापना की जाएगी। अपमानित होकर ही घनानंद जा रहे होते हैं, विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों में जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक राजकीलम नामक खेल खेलते हुए एक बालक दिखाई देता है। यह बालक और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त माने जाते हैं या चंद्रगुप्त थे। मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। सभी विद्वानों के अपने अपने अलग अलग मत हमें दिखाई पड़ते हैं।
जैसे हमारा ब्राह्मण साहित्य है ना, और विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्राक्ष बुक में इसे शूद्र माना गया है, विष्णु पुराण में भी इसे शूद्र माना गया है, और मुद्राक्ष बुक में इसे घनानंद का पुत्र माना गया है। घनानंद भी एक शूद्र राजा था, इसलिए इसे चंद्रगुप्त मौर्य को भी शूद्र माना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की माँ का नाम मुरा था, इनका जन्म मोरों के बीच में हुआ था, इसीलिए इनके नाम के साथ मौर्य जुड़ गया। ठीक है, छेमेंद की कथा व्रत कथा मंजरी नामक एक रचना है, और सोमदेव की कथा सरित सागर में भी इसे शूद्र माना गया है। हमारे जो बौद्ध स्त्रोत हैं उसमें इसे क्षत्रिय माना गया है। बौद्ध स्त्रोत में से क्षत्रिय माना गया है। दिव्यदान, सहेली और अशोक के अभिलेख में इसको क्षत्रिय माना गया है। इसके बाद हमारे जैन ग्रंथ में भी इसे क्षत्रिय माना गया है। हेमचंद थे जिन्होंने परिशिष्ट पर्वत नामक रचना की है, जिसमें इसे क्षत्रिय बताया गया है। इसके बाद कुछ और भी मौर्य साम्राज्य के जानकारी के बारे में मुख्य स्रोत हमें प्राप्त होते हैं, जैसे हमारी अर्थशास्त्र है, इंडिका है, रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख हैं, मुद्राक्ष बुक है, अशोक अभिलेख हैं, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और पुराणों से हमें मौर्य साम्राज्य की बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। अभी हम आपको चाणक्य के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। चाणक्य के पिता महर्षि चणक माने जाते हैं। इनके बचपन का नाम विष्णु गुप्त था, और इनका कौटिल्य जो नाम पड़ा है वो ये बहुत ही कूटनीतिक थे, इसलिए इनका नाम कौटिल्य पड़ा है। इसको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक बुक की रचना की है। राजनीति और प्रशासन से संबंधित यह रचना बुक अर्थशास्त्र नामक बुक में वर्णन मिलता है राजनीति और प्रशासन का। तक्षशिला के आचार्य जो कि सप्तांग सिद्धांत की जिन्होंने रचना की हुई है, अर्थशास्त्र की जो बुक है उसमें 15 अधिकरण खंड, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक से सम्मिलित हमारी पूरी अर्थशास्त्र की जो बुक है वो है। ये हो जाती है हमारी चाणक्य के बारे में जानकारी। अभी हमने आपको पहले बताया कि जंगल में जब राजकीलम नामक खेल खेलते हुए चंद्रगुप्त चाणक्य को मिलते हैं, तो इस समय चंद्रगुप्त मौर्य का जो पालन पोषण है वो एक चरवाहे के द्वारा किया जा रहा था, और इसी खेल से बहुत उत्साहित होकर प्रोत्साहित होकर ये हमारे चाणक्य हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को उस चरवाहे से 1000 का शापण यानी चांदी की मुद्रा के द्वारा खरीद लेते हैं और अपने साथ तक्षशिला लेकर आते हैं। तक्षशिला में 7 से 8 वर्ष तक चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति, प्रशासन, शासन, आक्रमण, युद्ध आदि की शिक्षा दीक्षा दी जाती है, और उन्हें पूरी तरीके से परिपूर्ण कराया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जब पहली बार घनानंद पर आक्रमण करते हैं तो उनकी पराजय होती है, और इस पराजय का वर्णन हमें बौद्ध ग्रंथ के महाबोधि ग्रंथ और जैन ग्रंथ के परिशिष्ट पर्वत से हमें इसकी जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि अपनी ही पराजय की गलतियों से सीखकर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा से मगध पर आक्रमण करते हैं, नंदवंश पर आक्रमण करते हैं और घनानंद का अंत करते हैं, और 322 BC में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की सहायता से
की जाती है। अब चूंकि अभी हमने आपको पहले बताया था कि इसी समय यूनानी आक्रमण, यूनानी सिकंदर के द्वारा हमारे भारत पर आक्रमण होते हैं, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, और चूंकि सिकंदर का सपना था भारत को जीतना, तो सिकंदर का जो सेनापति होता है सेल्यूकस, वो भी सोचता है कि क्यों ना अब हमारे द्वारा हमारे राजा का सपना पूरा किया जाए, और वह भी आक्रमण करने की कोशिश करता है। और इसी समय चंद्रगुप्त जब भारत पर आक्रमण करता है तो उसकी भिड़ंत चंद्रगुप्त के द्वारा होती है, क्योंकि चंद्रगुप्त जब 322 BC में मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं तो यह बहुत ही विशाल साम्राज्य हो जाता है, एक विस्तृत साम्राज्य हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। तो सेल्यूकस के और इसका आक्रमण जब होता है, सेल्यूकस का जो आक्रमण होता है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं और सेल्यूकस की हार होती है। जो BC है उसमें संधि के दौरान सेल्यूकस कुछ जब 303 BC में सेल्यूकस के द्वारा आक्रमण किया जाता है, 305 से 304 BC के बीच में जब सेल्यूकस के द्वारा आक्रमण होता है, मगध पर जब आक्रमण होता है तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं, और 303 BC में कुछ संधि होती है, और इसी संधि के जरिए कुछ सेल्यूकस अपना भाग चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट करते हैं, साथ ही अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया जाता है। यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है। इसके बाद इसके साथ ही हम देखते हैं कि मेगस्थनीज यूनानी विद्वान हमारे भारत में आते हैं, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो हमारे जैन धर्म को अपना लेते हैं। जैन धर्म ये इनका पूरा जो साम्राज्य है इससे त्याग देते हैं इसको, और इनके जो पुत्र होते हैं हेलेना से, जो इनके पुत्र होते हैं बिंदुसार, जिसको राजगद्दी पर बैठाकर ये श्रवण बेलगोला में भद्रवाहु जैन मुनि जो भद्रवाहु हैं श्रवण बेलगोला में दीक्षा ले लेते हैं। यही हमारी प्रथम बौद्ध जैन संगति हुई है और मानी जाती है। इसके बाद हम अगले वीडियो में बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो थी वह मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, और किस तरीके से हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध पर की, इसको जानने की कोशिश की।